दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर भी इस मैच को देखने आ रहे हैं। स्टेडियम में 100 गुना ज्यादा सिक्योरिटी, स्टेडियम के हर कोने में दर्जनों पुलिस वाले तैनात हैं, सिवाय इस कोने के। स्टेडियम में 1 लाख से भी ज्यादा लोग मैच देखने आए हैं और इन सब के पास टिकट है। मेरे पास नहीं है। मैं स्टेडियम में बिना टिकट के मैच देखने वाला हूँ। क्या इतनी कड़क सिक्योरिटी के बीच में मैं बिना टिकट के स्टेडियम में घुस पाऊंगा और बिना अरेस्ट हुए स्टेडियम की सबसे महंगी सीट पर पूरा मैच फ्री में देख पाऊंगा या नहीं? मैच शुरू होने के 2 घंटे पहले ही मैं स्टेडियम के गेट पर पहुंच गया। बिना टिकट के आए लोगों को स्टेडियम के गेट से ही पुलिस वाले वापस भेज दे रहे हैं। अंदर जाने का एक प्लान है, अभी सोचते हैं क्या प्लान है। मस्त प्लान है। बिना टिकट के अंदर अरेस्ट भी हो सकते हैं। तभी मेरा ध्यान कुछ वॉलंटियर्स पे गया और उनके पीछे पीछे मैं स्टेडियम के गेट तक पहुंच गया। लेकिन आगे का रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुझे 3 सिक्योरिटी गेट्स क्रॉस करने होंगे मैच देखने के लिए और सबसे महंगी सीट पर देखने के लिए 2 और। वॉलंटियर्स के पास आई कार्ड देखकर इनकी टिकट चेक कम होती है, तो मैं भी इनके पीछे पीछे चुपके से स्टेडियम के अंदर घुस जाऊंगा। इनको क्या ही पता है। भीड़ की वजह से मैं वॉलंटियर से ग्रुप से अलग हो गया। तभी मुझे दूसरी वॉलंटियर दिखी और मैं उनके ग्रुप के पीछे पीछे अंदर की ओर जाने लगा। पुलिस वाले वॉलंटियर से बहुत ज्यादा पूछताछ कर रहे थे और मैं दूसरी तरफ से धीरे धीरे अंदर जा रहा हूँ। अगर पुलिस वालों को थोड़ा सा भी मेरे ऊपर शक हुआ, पहले सिक्योरिटी गेट से मैं बिना अरेस्ट हुए अंदर आ चुका हूँ। इस गेट पर बहुत कम सिक्योरिटी है। ये गेट नंबर A है और ये गेट नंबर B है। गेट A में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है क्योंकि यहीं पर सबसे महंगी सीटें हैं। लेकिन हम गेट B की ओर पहले जाएंगे, नहीं गेट A की ओर ही चलते हैं। भाई इतनी ज्यादा सिक्योरिटी, गेट B से ही जाना पड़ेगा पहले। ये सबसे मुश्किल सिक्योरिटी क्रॉस होने वाला है क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं 3 पुलिस वाले चेक करते हैं। ये तो मानता चलेगा, मूंगफली खरीद जाता, मूंगफली। तीसरे सिक्योरिटी गेट से मैं बिना अरेस्ट हुए अंदर आ चुका हूँ। अब पता नहीं कहाँ जाना है। 2 सिक्योरिटी और बाकी है। गेट में ऊपर जाने का अभी तक मेरा टिकट चेक नहीं हुआ, फिर बस टिकट चेक। दीवारों के भी कान होते हैं। यहाँ से अंदर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, सिक्योरिटी वाले देख रहे हैं मुझे। ये लोग मुझसे टिकट मांग रहे हैं लेकिन मेरे पास तो है ही नहीं। ये सिक्योरिटी वाला मुझे वापस जाने को बोल रहा है लेकिन मैं रिस्क लेकर अंदर जा रहा हूँ। सिक्योरिटी वाला मुझे पीछे से आवाज लगा रहा है, मैं अनसुना करके जा रहा हूँ। वो पीछे से आगे कभी भी मुझे अरेस्ट कर सकता है। और फाइनली ये है स्टेडियम। ये सारे वॉलंटियर्स हैं, मैं इनके साथ ही आ गया, मुझे तो पता भी नहीं चला मैं अंदर कैसे आ गया। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये स्टेडियम की सबसे सस्ती सीटें हैं और यहाँ से मुझे विराट कोहली नहीं दिखने वाला है। मैं अब विराट कोहली को देखने आया था और विराट कोहली कहाँ से एंट्री मारेगा, आधे घंटे में भाई मोदी जी आने वाले हैं। सबसे महंगी सीट पर बैठने के लिए मुझे जाना होगा बिल्कुल ऑपोजिट में, ठीक मेरे सामने, और वहाँ तक जाने में मुझे पुलिस वाले अरेस्ट कर सकते हैं। विराट कोहली के लिए इतना रिस्क तो बनता है। स्टेडियम में मोदी जी आए और मैच के पहली बॉल मोहम्मद शमी ने डाली। महंगी सीटों पर बैठने के लिए टिकट वाले भी आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ पर हद से ज्यादा भीड़ है। एंट्रेंस पर ही सिक्योरिटी वाले टिकट चेक कर रहे हैं और अंदर भी 3-4 पुलिस वाले घूम रहे हैं। इनसे बचकर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। बहुत मुश्किल से मैं अंदर आ चुका हूँ। इंडियन टीम ग्राउंड पर उतर चुकी है। कैप्टन तो रोहित शर्मा है लेकिन लीड विराट कोहली कर रहा है। यहाँ पर सभी के पास महंगी वाली टिकट है पर मैं बिना टिकट के विराट कोहली को देखने आ चुका हूँ। वहाँ सामने देखो विराट कोहली है। इंडियन टीम वापस पवेलियन में लौट रही है और बिना टिकट के मैं स्टेडियम की सबसे महंगी सीट से विराट कोहली को देख लिया।
सक्सेस, डबल सक्सेस। अब ये चैलेंज पूरा हो गया, अब आप भी सब्सक्राइब कर दो।